क्या इंडिया ने फेंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कम्प्रिहेंसिवली ये जीता है, लेकिन इंडिया हैट्स ऑफ यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब. तो इंडिया बिकेम अ वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक एंड एज अ बैटिंग यूनिट और फील्डिंग को अच्छी करते ही करते हैं. इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहे हैं, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं. भारत की शानदार फतह और रिकॉर्ड साज फतह, स्ट्रेट सीरीज विन, बहुत बड़ी एक फतह है. इसलिए कि मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट आप तभी जीतते हैं जब आप 20 विकेट्स लेने के काबिल हो जाते हैं, और भारत इस वक्त दुनिया की बेस्ट बॉलिंग अटैक है. इसलिए कि सारे बेसिस कवर करें, स्पिन में भी, पेस में भी, बिहाइंड द स्टंप्स भी, फील्डिंग भी शानदार, जानदार परफॉर्मेंस, क्या कहने. बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को, इंडिया ने वेल डिजर्व विक्ट्री और बहुत अच्छा खेला और चारों निशाने कहते हैं चित कर दिए. वैसे इंडिया ने बॉलिंग भी की और बैटिंग भी की, लेकिन सबसे अच्छी बात इंडिया की ये रही कि इंडिया की बॉलिंग ने मेक श्योर किया कि हम अपने अच्छे पूरे एटीट्यूड के साथ आएंगे और हम विकेट लेंगे और हम जल्दी आउट करेंगे. आज तो मतलब सुबह सुबह ही उठ के पकड़ के बजा दिया बांग्लादेश को. मतलब हम सबको पता तो था कि ये टेस्ट मैच इंडिया ने जीतना है, इंसान को घर में फेल के आए थे ना. मतलब ये सोच रहे थे कि यार इंडिया को भी हरा देंगे. तो क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहे हैं, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं, और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा, और शायद हमें तो बहुत ज्यादा सीखना होगा क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं. 2 बरस हो चुके हैं, हम जीते ही नहीं है. 2 बरस हो चुके हैं और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को. घर पे खूब खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब से. मगर जो तूती बोल रहा है भारत की क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूँ, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है. इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में, बल्कि मैचेस जीतते हैं जिसकी वजह से धाक बन चुकी है. सो बांग्लादेश को बहुत कुछ करना था ऐसी कामयाब टीम के खिलाफ, उनको टफ टाइम देने के लिए. दिस आज तो क्यामत आ गई. गंभीर रोहित शर्मा का कम्बो, अश्विन और बुमराह का था तो नागन नाच रही होगी, पै पै वो बीन बजा रहे थे और ये नाच रहे थे. अजान कयामत आ गई आज कानपुर में. आज पूरी दुनिया ने देख लिया वाई इंडिया इज अ वेरी वेरी डेंजरस, डेडली और वेरी वेरी अनफियरफुल, जिससे झलना डरना चाहिए. ये वो है आज तक एनडीए इस वक्त पीक पर है. कुछ लोग कहते हैं आईपीएल की वजह से, कुछ कहते हैं पैसे की चमक है, लेकिन क्रिकेट तो मैदान में खेली जाती है, उनके प्लेयर मुसलसल परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं. और आप देखेंगे, आप इंडिया की टीम में देखेंगे, उनका कप्तान भी टॉप का है, उनकी बैटिंग टॉप की है, उनकी बॉलिंग टॉप की है, उनके पास प्लेयर टॉप के हैं, उनकी जो है कोचिंग है वो टॉप की है, जिसकी वजह से क्योंकि ये उन्होंने दिखाया दुनिया को दे आर चैंपियन. इंडिया कभी सोचा था कि हम ये बातें करेंगे, हिंदुस्तान की बॉलिंग इतनी तगड़ी है कि मैं तो बहुत सरप्राइज होता हूँ. बहुत टाइम से ये चल रहा है लेकिन अब तो बहुत जबरदस्त बॉलिंग हो गई यार. देखो उन्होंने मेहनत करी है नजीब हर चीज में. MRF होता था, डेनिस लिली साहब आते थे, सही है. हमने देखा, हम उस टाइम पे खेलते थे तो पता चला ये लड़का जो आया MRF से आया, तो वो प्लानिंग उन्होंने कितने पहले से करी थी, अपना सिस्टम चेंज नहीं करा, जो टीमें थी उतनी रखी. अंडर 19 में T20 नहीं होगी, IPL कितने 14 हो गए ना, कोई प्लेयर बाहर जाके नहीं खेलेगा, वो अपनी डोमेस्टिक में पैसा लाए. तो अब इतना इमेंस प्रेशर डाल दिया है, इतना इमेंस प्रेशर बांग्लादेश पे कि उनके होशो हवास उड़ गए, उनके होशो हवास उड़ा दिए हैं इस तरह की बैटिंग की, और अब इस प्रेशर में से निकलने की नहीं है बांग्लादेश. और अब ये इंडिया का मैच है और इंडिया ही इसको बिल्कुल जबड़े में हाथ डाल के निकालना मैच को, इसको कहते हैं टेक्निकली. तो आप देखें ना, 2 दिन के अंदर खत्म हो गया. इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टाइम का मुकाबला है. इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया, एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है. रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब बाद अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं. उन्होंने जिस तरीके से इस मैच को अपनी तरफ लेकर आई है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया कर सकता था, ये कोई और नहीं कर सकता था. ये बोलने पर मजबूर है, हमें बोलना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ भारत की टीम ही कर सकती थी और कोई टीम नहीं कर सकती थी. तो मुझे लगा कि इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की फेंटी लगाते हुए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए हाईली कॉन्फिडेंट टीम बनते हुए जा रहे हैं. तो कप्तानी रोहित शर्मा की इम्प्रूव हुई, 1.5-2 साल से घुमा हुआ रोहित शर्मा अभी प्रेजेंट है और बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ, उनकी मैनेजमेंट और कैप्टनसी दोनों मिलकर बेहतरीन फैसला कर रहे हैं. आ रहा हूं इस बांग्लादेश की टीम का और इस इंडिया की टीम का, एक भी कोई खेल का ऐसा सेगमेंट नहीं है कि जिसमें कोई मुकाबला नजर आ रहा हो. हर डिपार्टमेंट ऑफ खेल में बहुत ही आगे हैं, गैप भी बहुत ही ज्यादा.
इंडिया हैज एब्सोल्युटली रेक्ड हैवॉक ऑन बांग्लादेश। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, टीम इंडिया ने बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में धूल चटा दी है। इसी के साथ बांग्लादेश पाकिस्तान को वाइट वॉश करके जितना घमंड के साथ भारत आकर भौंक रहा था, भारत ने उनका वाइट वॉश करके उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया। वहीं पाकिस्तान भी इस ऐतिहासिक जीत को देख भौचक्का है कि कैसे 2.5 दिन बारिश में धुल जाने के बाद भी टीम इंडिया ने इतने कम टाइम में मैच को जीत कर दिखाया। आपका इस पर क्या विचार है, आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। और अब खेल किन से रहे हैं, उस टीम के खिलाफ जो आपको कदम शायद छोटी नजर आती है, मगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती है। मुझे ज्यादा जब चौथा दिन खत्म हुआ कानपुर का, मैंने बोला था कि स्पिनर्स की हुक्मरानी रही चौथे दिन में। 18 विकेट गिरी जिसमें से 12 स्पिनर्स ने ली थी, और साफ है कि पांचवा दिन स्पिनर्स का होगा और भारत के स्पिनर्स दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं और बांग्लादेश इनके सामने टिक नहीं पाएगा। मगर मुझे भी इतने वसूख से नहीं पता था कि बांग्लादेशी बैटर्स इतनी जल्दी उनके सामने गिरेंगे, अंदाज़ा नहीं था मुझे। मुझे था कि कम अज़ कम विनो के थोड़ा सा टी सेशन तक तो लेके जाएंगे, मगर ये तो 2-3 घंटों के अंदर कहानी सारी साफ करके रख दी भारतीय बॉलर्स ने। इंडिया का जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है वो बड़ा मजबूत है। उनके आप देखें कि IPL में उनके 70-80 प्लेयर खेलते हैं यंगस्टर, ठीक है, और वो उन्होंने उनका जो उनकी क्रिकेट है ना वो एक क्वालिटी क्रिकेट है, और उसकी वजह से इनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। वो उन्होंने दुनिया की हर टीम को बीट किया, और इंडिया की क्रिकेट आप देखें कि हम मसाले देते होते थे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की, लेकिन इंडिया ने जो क्रिकेट को बिल्ड किया है उन्होंने काम किया। किस वजह क्यों इन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया, वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, वहां पे अकेडमीज बनाई है, और ये चीजें इनको इनके क्रिकेट के लिए को बहुत ऊपर ले गई। जो IPL में पैसा कमाते हैं ये अपने उधर एसोसिएशनों को देते हैं ताकि वहां पे वो स्पेंड करके बच्चों को सोरिया देते, वहां से टैलेंट मिलता है इनको, तो उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट वहां पे किया। हमारे कौन सी इन्वेस्टमेंट है, हमारे तो कोई सिस्टम नहीं है ना, आपके पास ऐसा सिस्टम है कि जिसमें प्लेयर को ग्रूम किया जाए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।